इंसान मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। इन मुश्किल हालात में हर कोई जरूरतमंद इंसानों की मदद कर रहा है। ऐसे में सेना के उन जवानों ने भी देशवासियों की मदद करने की सोची है जो शरीर से अक्षम है। तस्वीरें पंजाब के मोहाली से है, जहां पर सेना के जवान जरूरतमंद इंसानों के साथ पुलिस वालों के लिए मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से हम यह अपने ये मास्क बना रहे हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया की मदद कर रहे हैं। हमारी मैसेज भी इधर है, और हम हॉस्पिटल, पुलिस लाइन और जो गरीब लोग हैं हम बाहर भी मतलब है का रेडी लगा रहे हैं, और जो यहाँ लेने आ रहा है उनको भी हम मदद कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मांगने आ रहा है उसको हम दे रहे हैं। वी डिसाइडेड दैट वी शुड गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। दे आर स्टिचिंग कॉटन मास्क। Their capability is to stitch cotton mask per day is 500, and almost we have stitched 4,000 cotton masks, and we have distributed almost 33,000 cotton masks. We generally distribute to vendors, poor people, the policemen doing duties on the roadside, the safai karmchari, and some hospitals also have also taken, and we have given to some army people also. आपको बता दें कि शरीर की कमी के कारण सेना से रिटायर्ड ये जवान पहले देश की सेवा सीमा पर करते थे, अब इन मुश्किल हालात में देश की सेवा कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो भी कोई मास्क के लिए आता है हम उसकी मदद करते हैं, साथ ही सड़क पर रेड़ी लगाकर पुलिस लाइन में जाकर भी हम मास्क बांटने का काम कर रहे हैं। देश आज इस मुश्किल दौर में इन जवानों को सलाम कर रहा है।